दोस्तों, कई बार आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि सर हम ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत कौन से प्रोडक्ट से करें। नए सेलर्स को शुरुआत में प्रोडक्ट चूज करने में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है और खासकर उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है जो अपने करियर की शुरुआत ही ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑनलाइन सेलिंग हाल ही में शुरू किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज करने में बहुत मदद होगी। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उन सेलर्स की जो ऑलरेडी अपना ऑफलाइन सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आप जिस प्रोडक्ट की ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर होलसेलर हैं, तो फ्रेंड्स आप उसी प्रोडक्ट से ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हैं। बस आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट एमआरपी बेस्ड है तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी का फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले कितना कमीशन लेते हैं। तो आपके प्रोडक्ट पर अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन का कमीशन हटाने के बाद और जो शिपिंग वगैरह लगने वाली है उसको हटाने के बाद जो नेट अमाउंट आपको बचेगा उससे आप एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं तो फिर आप जिस प्रोडक्ट की ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और इससे आपको डबल बेनिफिट होगा कि कभी अगर आपका कोई स्टॉक ऑफलाइन सेलिंग में अटक जाता है तो वो ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू निकल जाएगा, और अगर किसी स्टॉक को आप ऑनलाइन सेलिंग की वजह से खरीदते हैं कि उसकी डिमांड ज्यादा है तो हो सकता है ऑफलाइन सेलिंग में भी उसकी सेल आ जाए। और अब बात करते हैं उन सेलर्स की जो पहले से किसी भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन सेल नहीं कर रहे और वो अपने बिजनेस की शुरुआत ही ऑनलाइन सेलिंग से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कौन सा प्रोडक्ट चूज करें ये सब डिपेंड करता है दो बातों पर। पहला कि आप कौन से स्टेट या फिर सिटी में रहते हैं और दूसरा आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों ही बातों पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत से सिटीज और स्टेट्स के कुछ प्रोडक्ट काफी फेमस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिटी और स्टेट में तो काफी सस्ते मिलते हैं और बहुत वैरायटी में मिलते हैं, लेकिन अगर हम बाकी स्टेट्स की और सिटीज की बात करें तो वहां पर या तो बहुत कम मिलते हैं और मिलते हैं तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस सिटी में रहते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है इसलिए आपको वो सस्ता पड़ता है, तो इसलिए आप अपनी जगह की स्पेशलिटी देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे यहां ही मैन्युफैक्चर होता है, मेरे सिटी में ही मैन्युफैक्चर होता है सबसे ज्यादा इंडिया में, तो आप उस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया था तो मैंने फाइंड आउट किया कि आंध्र प्रदेश में ब्रास शोपीस करके प्रोडक्ट काफी फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू हैंडीक्राफ्ट काफी फेमस है, आसाम की सिल्क साड़ी काफी फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर की पश्मीना शॉल काफी फेमस है, महाराष्ट्र कोल्हापुरी में कोल्हापुरी जो स्लीपर्स है वो बहुत फेमस है, मिजोरम में बैम्बू बास्केट बहुत फेमस है और बनारसी साड़ी बनारस में बहुत फेमस है। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ सिटीज और स्टेट्स की आपको बताए हैं, आप भी अपने सिटी और स्टेट में देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट स्पेशल है। जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट में मैंने आपको ब्रास शोपीस बताया, तो आंध्र प्रदेश के बाकी सिटीज में ब्रास शोपीस के अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट होंगे जो कि मैन्युफैक्चर होते होंगे जो कि आंध्र प्रदेश के बाहर उनकी ज्यादा काफी ज्यादा डिमांड होगी, तो आप ऐसे प्रोडक्ट से ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि आप कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करें क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना मनी इन्वेस्ट करने वाले ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में। हाँ, एक बात जरूर मैं बता सकता हूं कि अगर आपका बजट कम है तो आप एक्सेसरीज वाले पार्ट में डील कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज होती है, मोबाइल की एक्सेसरीज, कैमरा की एक्सेसरीज, किचन एक्सेसरीज हो सकती है, अपैरल में जो ब्यूटी एक्सेसरीज होती हैं, ये सब में आप डील कर सकते हैं। इन सब में आप कम इन्वेस्टमेंट से भी ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दिल्ली में तो मैं जानता हूं जैसे गफार मार्केट है, सदर बाजार है, इन सब में काफी ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और आप इन्हें चीप रेट्स में दे सकते हैं और ऑनलाइन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोई और सिटी या स्टेट की स्पेशल बाजार वगैरह जानते हो जहां पर होलसेल में अच्छे प्राइसेस में प्रोडक्ट मिलते हो तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि और सेलर्स को भी उससे हेल्प हो सके। बेसिकली वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था कि आप लोगों को अवेयर करना कि हमें कौन से प्रोडक्ट से ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि आप कौन से सिटी और स्टेट में रहते हैं, वहां पर क्या फेमस है, वहां पर ऐसी क्या चीजें जो मैन्युफैक्चर होती है जिसकी ऑल ओवर इंडिया डिमांड है। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि आप कितना मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में। अगर आपके सिटी में कोई फेमस प्रोडक्ट है जो कि ऑल ओवर जिसकी ऑल ओवर इंडिया डिमांड है,
अगर आप उस प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तब तो फिर वही आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि आप एसेसरीज वाले पोर्शन से शुरू कर सकते हैं। एसेसरीज में आप इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज जैसे मोबाइल और कैमरा की एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज, ब्यूटी एसेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने पर आप अपैरल क्लॉथिंग वगैरह में जा सकते हैं, शूज वगैरह कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब आपको प्रोडक्ट चूज करने में भी मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।